प्राक्षी एंड यू वॉचिंग प्राक्षी वर्सेस टाइल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करना तो बनता है जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिल जाती है बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्यूटी हेयर एंड रिव्यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग हेयर मास्क, जिसके डिफरेंट बेनिफिट्स रहेंगे आपके हेयर के लिए। ये तो सुबह भी हेयर मास्क है, इसको बनाने के लिए आपको 2 से 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके किचन में इजीली अवेलेबल रहते हैं। एंड आफ्टर अप्लाई दिस हेयर मास्क डेफिनेटली योर हेयर विल लुक गॉर्जियस। इसके अदर हेयर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपके बालों को क्लेंस करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, जो फिजीनेस की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके दूर करता है। काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है ये। चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हेयर मास्क का फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है एलोवेरा। एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने इस तरीके से 4-5 एलोवेरा लीव्स ले ली हैं, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, देन उसको बीच में से कट कर लिया है। अब मैं उसमें से जो भी जेल प्रेजेंट है वो निकालने वाली हूँ। आप इस तरीके से स्पून की हेल्प से इसमें से जेल को निकाल सकते हैं। इसको निकालने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा चिपचिपापन आपको फील हो सकता है, बट इट्स ओके, क्योंकि ये वाला जो एलोवेरा जेल होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं सारा एलोवेरा जेल निकल चुका है। अब उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 3-4 स्पून बेसन, जिसको ग्राउंड फ्लोर भी बोलते हैं, ये इंडियन किचन में इजीली अवेलेबल रहता है। देन उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 स्पून कर्ड। कर्ड ऐड करने के बाद ये सारा जो मिक्सचर है उसको हम इस तरीके से एक मिक्सर जार में डाल देंगे और उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा हेयर मास्क तैयार है और काफ़ी स्मूथ हेयर मास्क बना है। दही हमें ज़्यादा पतली नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतली दही लेंगे ना तो ये हेयर मास्क थोड़ा रनी हो जाएगा। तो परफेक्टली हमारा हेयर मास्क तैयार है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इसको मैं अपने स्काल्प पर अप्लाई करने वाली हूँ, पूरी हेयर लेंथ पर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है बेसन फेस पैक जो होता है हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा जाना जाता है, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि बेसन जो है हमारे बालों के लिए भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि बेसन में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर को हेल्दी रखते हैं। ये हेयर मास्क स्काल्प को रिजोनेट करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही साथ इसमें दही भी है। दही में बेनिफिशियल बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्काल्प पर डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज़ जम जाती है वो उसको बहुत अच्छे से साफ कर देती है। कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, दी मेरे बाल लंबे तो हैं पर उनमें वॉल्यूम नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना तो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर एक बार ट्राई कर देखिए। ये आपके बालों को ब्लैक बनाता है, बाउंसी बनाता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके हेयर काफ़ी लक्जरियस दिखाई देते हैं। जैसे कि समर आ गई है एंड कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं समर में, अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस हेयर मास्क को वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये आपके बालों से चिपचिपेपन को दूर करता है, आपके बालों को एक सिल्कीनेस और स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है। ये हेयर मास्क मैंने अपने स्काल्प पर यूज़ किया है, पूरी हेयर लेंथ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं 50-20 मिनट्स रखने के बाद हेयर वॉश करने वाली हूँ, और आप देख सकते हैं हेयर वॉश करने के बाद मेरे बालों में इसका रिज़ल्ट, मुझे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी पसंद आया है। आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दी होम रेमेडी हमारे बालों पर काम नहीं करती है, हमारे बाल लंबे नहीं होते हैं, तो उसके लिए यू शुड यूज़ दैट होम रेमेडी ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि कोई भी होम रेमेडी एकदम आपके बालों में काम करेगी और एक बार में ही आपको लंबे बाल दे देगी। एटलीस्ट आपको उसको मंथ में 4 बार तो यूज़ करना ही करना है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ उसके कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक बार में आपको रिजल्ट मिलेगा, पर इतना नहीं कि आपको ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा। पहले कुछ और था तो एकदम कुछ और हो गया। 1 हफ्ते में आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, 2 हफ्ते में उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 3 हफ्ते में, देन 4 हफ्ते में। फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिए इस हेयर मास्क को, एंड उसका रिजल्ट कैसा मिला दैट यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई है तो गिव बिग थम्स अप, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।